आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, मैं हूं आपके साथ अंजलि। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। एक तरफ सरकार के चौतरफा विकास के बड़े बड़े वादे दावे, तो दूसरी तरफ राज्य आंदोलनकारियों व शहीदों की सहमति एवं भावनाओं की उत्तराखंड की राजधानी गैरसैंण आज भी उन विकासों की राह ताक रही है। करलप्रयाग विधानसभा क्षेत्र में आने वाले गैरसैंण के लोगों ने बताया कि उनके क्षेत्र में सरकारों का विकास आज भी कोसों दूर है। बात चाहे स्वास्थ्य की करें, शिक्षा की करें, या सड़क की करें, या नेटवर्क कनेक्टिविटी की करें, तो इन सभी मूलभूत जरूरतों के लिए यहाँ की जनता आज भी जूझ रही है। जिस प्रकार से उत्तराखंड की राजधानी के लिए यहाँ गैरसैंण के भराड़ी शहर में विधानसभा भवन, सचिवालय और विधायक आवास सहित तमाम ढांचे खड़े तो कर दिए गए हैं, परंतु उसके अनुरूप गैरसैंण क्षेत्र की राजधानी के लिए पर्याप्त सुविधाएं नहीं जुटाई गई है। गैरसैंण के लोगों ने निवर्तमान विधायक के कार्यकाल को भी असफल बताया है। न्यूज 9 भारत के लिए सुरेंद्र धनेत्रा की रिपोर्ट। वाइस के लिए यहाँ पर ऐसा जनप्रतिनिधि चाहिए जो जनता के बीच में रहा हो, जिसने जनता के सुख दुख को देखा हो और हमेशा जो है जनता के कार्यों के में रहा हो, यहाँ की बात करी हो, यहाँ के रोडों के विकास में बात की हो, यहाँ के स्वास्थ्य के विषय में बात किया हो, यहाँ के बेरोजगार युवाओं के विषय में बात करी हो, यहाँ की राजधानी के विकास में बात करी हो, यहाँ के पानी के विषय में बात करी हो, और यहाँ की राजधानी जो इन्होंने घोषणा करी उसके विकास में बात की हो। यहाँ पर पलायन पर भी कोई जो है किसी ने बात करने को तैयार नहीं है। युवाओं को बोला गया बीजेपी सरकार ने, भाई तुम जाओ और घर में पकौड़ा तलो और 200 रुपये तेल की बोतल कर दिया, तो युवा भी आज जो है सरकार से नाराज हैं। और किसी मामले में जो है यहाँ बीजेपी सरकार ने इस 5 सालों में विकास जो है अनियंत्रित हो गई थी, क्योंकि रोड में जो जो डामर हैं उनमें खड्डे पड़े हुए हैं, आने जाने वाले में बड़ी सुविधाएं हैं, और राजधानी के मामले में जहाँ तक बात है कि बच्चे जो भी काम करेगी यहाँ पर जो सर्विस सरकारी करेगी, हमको जो बेस हॉस्पिटल एक शिमली में जो हमने रखा था पहले कांग्रेस की सरकार ने, हरीश रावत जी ने बेस हॉस्पिटल की आधारशिला के लिए जो है कुछ धन भी उस टाइम दिया हुआ था, लेकिन इन्होंने उस पर भी कोई बात नहीं किया। और आने वाले समय में हमें आशा है कि जो गैरसैंण में कांग्रेस का प्रतिनिधि जीतेगा। की बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले तो हॉस्पिटल की व्यवस्थाएं इतनी चतराई हुई है कि यहाँ पे हर चीज़ का व्यवस्था सेंटर बन गया है। यहाँ पे हमारे गांव से महिला गर्भवती महिलाएं आती हैं और उनको यहाँ पे रेफर कर दिया जाता है और रस्ते में ही वो बच्चे को जन्म देते हैं। तो सबसे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि जिस क्षेत्र को राजधानी के लिए बोला जा रहा है वहाँ पर ये स्थिति बनी हुई है। बाकी यहाँ पानी की व्यवस्था यहाँ की ख़त्म है। रोड अब आजकल जब अब चुनाव नज़दीक आने वाले हैं तो यहाँ की रोड की व्यवस्था सही हुई है, नहीं तो हर चीज़ में खिलवाड़ हो रहा है। यहाँ पर सामान्य कार्य हुआ और आने वाले 2022 में भारतीय जनता पार्टी इस पर मंथन कर रही है, और मुझे तो लग रहा है कि नया चेहरा आएगा 2022 में। हम भारतीय जनता पार्टी के सिपाही को जरूर विधानसभा में। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ न्यूज 9 भारत पर। अब चाहूंगी इजाजत, नमस्कार।